रुक करते हैं प्रदेश की ओर। कीरतपुर नेरचौक फोरलेन में ठेकेदार का काम करने वाले ठेकेदारों ने धमकी दी है कि यदि उनकी करीब 50 करोड़ रुपए के पैसे का भुगतान नहीं किया गया तो वे फोरलेन का काम बंद कर देंगे। परिधिगृह बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं फोरलेन ठेकेदार जितेंद्र चंदेल ने बताया कि कीरतपुर नेरचौक का काम वर्ष 2013 में शुरू हुआ था तथा इसका काम जून 2017 से बंद पड़ा है। कीर्तपुर नीरचौक फोरलेन में ठेकेदार का काम करने वाले ठेकेदारों ने धमकी दी है कि यदि उनकी करीब 50 करोड़ रुपए के पैसे का भुगतान न किया गया तो वे फोरलेन का काम बंद कर देंगे। परिधिगृह बिलासपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व जिला परिषद सदस्य एवं फोरलेन ठेकेदार जितेंद्र चंदेल ने बताया कि कीर्तपुर नीरचौक का काम वर्ष 2013 में शुरू हुआ था तथा इसका काम जून 2017 में बंद पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस फोरलेन में करीब 70 ठेकेदारों ने विभिन्न निर्माण कार्य किए तथा करीब 50 करोड़ रुपए उनका संबंधित कंपनी में फंसा है। इस फोरलेन का निर्माण कार्य एक कंपनी कर रही थी तथा ये कार्य BOT के आधार पर आवंटित हुआ था। उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनी दावा कर रही है कि उसने करीब 1400 करोड़ रुपए निर्माण कार्य पर खर्च किया है तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इस कंपनी की 13 अगस्त को बैठक हुई थी जिसमें संबंधित कंपनी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुझाव दिया था कि उनसे उसने कुछ लोगों को पैसा देना है जिसकी पेमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर दे और जब उनकी पेमेंट के लिए समझौते की बात होगी तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पैसे को काट ले। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सुझाव को ठुकरा दिया। हालांकि कंपनी ने ठेकेदारों की लिस्ट भी दी थी। उन्होंने बताया कि अपनी बकाया राशि को लेने के लिए वे लोग तत्कालीन सांसद व मौजूदा केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर व तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मुलाकात की लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात ही निकला। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार ने उनके पैसे को निकलवाने का कोई प्रयास नहीं किया और इस फोरलेन का निर्माण कार्य पंजाब की एक कंपनी को दे दिया। इस कंपनी को कीरतपुर कैंची मोड़ तथा जड़ोल के नेरचौक तक का काम आवंटित कर दिया। उन्होंने बताया कि पैसे लेने की मांग को लेकर म्यालवर में गत 7 जुलाई को आयोजित जनमंच में भी शिकायत उठाई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि वे राष्ट्र हित में इस फोरलेन का निर्माण कार्य पूरा होता देखना चाहते हैं लेकिन पहले इनकी पेमेंट होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने भी गत दिनों संबंधित कंपनी के साथ बैठक की लेकिन उन्हें उस बैठक में बुलाया नहीं गया। उन्होंने बताया कि अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए 21 नवंबर को बिलासपुर में बैठक रखी गई है और उसमें आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया जाएगा तथा उस दिन DC को भी एक ज्ञापन दिया जाएगा। अवगत कराया कि जिन लोगों ने ILFS कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया उनकी पेमेंट पेंडिंग है और NHI ने NHI के अधिकारियों को भी हमने कई बार लिखित रूप से और पर्सनली जाकर उनको बताया कि हमारे यहाँ जिन कॉन्ट्रैक्टरों ने काम किया उनकी पेमेंट पेंडिंग है, हमारी पेमेंट क्लियर कराएं उसके बाद ही दूसरी कंपनी से काम कराएं, अन्यथा हम जो काम जिस कंपनी को ने काम आवंटित किया उस कंपनी का काम रोकेंगे और जब तक हमारे साथ बैठकर NHI जिला प्रशासन बैठकर हमारा सेटलमेंट नहीं करता तो हम ये काम चालू होने नहीं देंगे। इस प्रोजेक्ट के जो CEO है मिस्टर मित्तल और NHI के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, उस बैठक में आइटनल के जो CEO है मिस्टर मित्तल ने एक प्रपोजल NHI को दी कि हमने इस प्रोजेक्ट पे लगभग 1400 करोड़ रुपए खर्च किया है और जब हमारा सेटलमेंट होगा तो हम ये चाहते हैं कि सेटलमेंट से पहले NHI हम एक लिस्ट देते हैं, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्टर्स की या सप्लायर की या लीज होल्डर की पेमेंट है वो पेमेंट कर दें, बाद में जब सेटलमेंट होगा तो उस सेटलमेंट में हमारी पेमेंट काट ली जाए। लेकिन आज तक NHI के अधिकारी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम अब 21 तारीख को यहाँ सर्किट हाउस पर में कॉन्ट्रैक्टर्स विस्थापित प्रभावित और लीज होल्डर ट्रांसपोर्टरों जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट में काम किया या इस प्रोजेक्ट की वजह से लोग आज प्रभावित हो रहे हैं उनको 21 तारीख को यहाँ सर्किट हाउस में एक मीटिंग बुला रहे हैं। उसमें सभी लोगों से निवेदन करें कि सब लोग जिनकी जो जो भी समस्या इस फोरलेन से रिलेटेड है वो 21 तारीख को हमारे यहाँ पर आए और इस समस्या को लेकर हम जिला प्रशासन से 21 तारीख को मिलेंगे।